अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10 से 12 साल के बच्चे के लिए पठानी सलवार की कटिंग करने वाले हैं। हमने ये 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। कमर में लास्टिक अटैच करते हुए हमें सामने से जिप अटैच करना है। देखते हैं हमारी सलवार की कटिंग किस तरह से है। हम पहले इसे 4 डबल में कपड़े की घड़ी को डाल देंगे। 4 पट में हमने कपड़े की घड़ी को डाल दिया है। साइड से हमारी जो प्रेस पट्टी है, प्रेस पट्टी हमें कट कर लेना है। चार पट में हमने सलवार के लिए कपड़े की घड़ी डाल दी है। 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम सलवार की पूरी लंबाई लेंगे। 1.5 इंच का हमें यहाँ पे बेल्ट अटैच करना है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ते हुए सलवार की पूरी लंबाई लेंगे। सलवार की पूरी लंबाई हमें 35 लेनी है, 35। 35 पे डॉट करेंगे और 1.5 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे का कपड़ा हम पूरा ले लेंगे। बॉटम की लेंथ हम 6 लेंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिन। लटक के लिए हम खुले भाग की तरफ से डायग्राम डालेंगे। 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए हमें लटक का नाप लेना है। लटक हम 12.5 पे लेंगे। 2 इंच इस तरह से लेते हुए 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे गोलाई डालने के लिए। इस तरह से हम ये मैनी ना लगाते हुए हम इस तरह से गोलाई डालेंगे। जहाँ पे हमने गोलाई का नाप लिया है वो उस पॉइंट से सलवार के बॉटम में लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमारे सलवार का डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसकी कटिंग कर लेंगे। सलवार की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें जिप लगानी है। जिप के लिए हम यहाँ पे खचका लगा लेंगे। जिप हमें 6 इंच पे लगानी है। यहाँ तक हम खचका लगा लेंगे। ऊपर से जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था वहां के लिए हम कपड़ा कट कर लेंगे। 1.5 इंच जो हमने छोड़ा था 3.5 इंच पे हम कपड़े की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए कपड़े की कटिंग कर ली है। अब स्टिचिंग करने का तरीका देखेंगे। सलवार की स्टिचिंग में हम सबसे पहले जिप अटैच करेंगे। जिप अटैच करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। 4 इंच चौड़ाई में है और 8 इंच लंबाई में है। सलवार का जो बैक साइड है यहाँ पे हम 1/2 इंच पे पहले स्टिच कर लेंगे। एक साइड को हम 1/2 इंच पे स्टिच कर लेंगे और एक साइड पे हम जिप लगाने का तरीका देखेंगे। 1/2 इंच पे हमने स्टिच लगा ली है। अब दूसरी साइड पे हम जिप लगाने का तरीका देखेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा वाला साइड जो हमने इस तरह से ओपन रखा है। यहाँ पे हम ये साइड को इस तरह से आमने सामने लेंगे। ये हमारा सामने का फ्रंट वाला भाग है। यहाँ पे हमें जिप अटैच करने का तरीका देखना है। जहां तक हमारा खचका लगा है वहां तक हमें जिप अटैच करनी है। हम पहले जिप को इस तरह से उल्टी साइड पे रखेंगे और उसके ऊपर हमने जो ये कपड़ा कटिंग करके रखा था वो कपड़े को हमें इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए जिप के ऊपर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच के फासले पे। यहाँ पे स्टिच करते हुए जिप को अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमें अभी दाब सिलाई लगानी है। 1/2 इंच के फासले पे हम यहाँ से यहाँ तक दाब सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड का कपड़ा अटैच करने का तरीका देखेंगे। दूसरी साइड के लिए भी हमने इस तरह से कपड़े को प्रेस कर लिया है। 2-4 इंच वाली हमारी पट्टी है ये। हमने ये नीचे की तरफ से अटैच किया था। अभी ये इस पट्टी को हमें ऊपर की तरफ से अटैच सिलना है। यहाँ पे हम इसे 1/2 इंच पे स्टिच करते हुए इसे प्रेस करके इसे क्लीन कर लेंगे। देखिए 1/2 इंच पे स्टिच करते हुए हमने ये पट्टी को ऐड कर लिया है और इसे फोल्ड करके हमने ये प्रेस कर लिया है। अब जिप के ऊपर इसे किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। हमारा जो ये छूटा हुआ भाग है मैनी का, हमें ये पहले ये स्टिच कर लेना है। मैनी के भाग को उल्टी साइड पे हम इस तरह से रखेंगे। एक्स्ट्रा की जिप को कटिंग कर लेंगे।
हमारा जो बचा हुआ मेहंदी का भाग है उसे हम आधे इंच पे स्टिच करते हुए यहाँ तक, जहाँ तक हमारा ये मेहंदी वाला भाग छुटा हुआ है वहाँ तक हमें आधे इंच पे स्टिच करते हुए इसे तैयार कर लेना है। हमने ये आधे इंच पे स्टिच लगा ली है, जितना हमारा बचा हुआ भाग था वहाँ पे हमने सिलाई लगाते हुए इसे तैयार कर लिया है। अब इसे हम ये देखिए इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है। अभी हमारा जो जीप वाला भाग है इसे हम अंदर की तरफ डालेंगे और हमने जो दूसरी साइड से जो पट्टी लगाई है वो पट्टी को हमें इस तरह से ऊपर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पट्टी इस तरह से ये ऊपर आ गई है। हमने जो मैनी के ऊपर जो सिलाई लगाई है वो सिलाई को हमें इधर की तरफ करना है। जिधर की तरफ हमने ये कपड़े की पट्टी लगाई है उधर की तरफ हम ये सिलाई को करते हुए यहाँ से हम इसे दाब सिलाई लगाते हुए जाएंगे। यहाँ पे आके हमें रुक जाना है और यहाँ से हमें राउंड शेप लेते हुए इसे जिप पे सिलाई लगानी है। हमने यहाँ से यहाँ तक दाब सिलाई लगा ली है। अब हमने ये जो मार्किंग की है हमें स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है और यहाँ से गोलाई के मुताबिक इसके ऊपर स्टिच करना है। पट्टी एक लेवल रखेंगे और मार्किंग के मुताबिक स्टिच करेंगे। ये देखिए हमारी जिप अटैच करना हो गई है। हमें यहाँ पे प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स लगाने का तरीका देखेंगे। हमें यहाँ पे एक चार की प्लेट लगानी है। इस तरह से हमें इधर की साइड पे चार प्लेट्स लगानी है और इधर की साइड पे हमें चार प्लेट्स लगानी है। हमारी जिप अटैच करना हो गई है और हमने साइड के प्लेट्स भी लगा ली है। अब इसके ऊपर की नेफा फोल्डिंग देखेंगे किस तरह से है। जिप को हमें ओपन करना है और हमने जो ये पट्टी कट करके रखी थी ये पट्टी को हम एक साइड से इस तरह से ये फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए पूरे घेरे को हम सिलाई लगा लेंगे और नेफा फोल्डिंग तैयार कर लेंगे। हमने नेफा फोल्डिंग को स्टिच कर लिया है। नेफा फोल्डिंग हमारी पूरी तरह से हमने ये लगा ली है। अब इसका जो साइड है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे और नेफे को इस तरह से रखते हुए हम पूरे स्टिच कर लेंगे। हमारी नेफा फोल्डिंग हो गई है। अब बॉटम तैयार करने का तरीका देखेंगे। बॉटम बनाने के लिए हमने इस तरह से ये बॉटम पट्टी ले ली है। बॉटम पट्टी को हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से आधे इंच पे रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इधर से हमें दो स्टिच करना है और इधर से हमें दो स्टिच करते हुए बॉटम को कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम दूसरा बॉटम भी बना लेंगे और सलवार को बॉटम तैयार होने के बाद सलवार को हमें आधे इंच पे पूरी फिटिंग लगा लेनी है। बॉटम तैयार कर लिए हैं और आधे इंच पे स्टिच करते हुए हमने पूरी फिटिंग लगा ली है। अब इसे हम सीधा करेंगे तक जिप ओपन करेंगे और यहाँ से हम इलास्टिक डालने का तरीका देखेंगे। इस तरह से हमने इलास्टिक पे ये पिन अटैच कर ली है। यहाँ से हम नेफा फोल्डिंग में से इलास्टिक को डालेंगे। हमने ये हमारे कमर के मुताबिक लिया है। ये देखिए इलास्टिक हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट डाल दिया है। अब इलास्टिक को हमें इस तरह से हम कपड़े को यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे इसे स्टिच करते हुए इसका मुंह पैक कर देंगे और इधर से भी हम इसी तरह से स्टिच करते हुए इसका मुंह पैक कर देंगे। हमने इलास्टिक अटैच कर लिया है और यहाँ पे इसे स्टिच करते हुए इसका मुंह भी पैक कर लिया है। हमने दोनों साइड से इसी तरह से स्टिच करते हुए इलास्टिक को पूरी तरह से पैक कर दिया है। अब यहाँ पे हमें पैंट की जो इस तरह से हमने पैंट में जो यूज किए जाते हैं वो हिंगर ले लिए हैं। अब यहाँ पे वो अटैच करेंगे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरह से हमें ये दो हिंगर ऐड करना है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और ये जो क्लिप्स है ये क्लिप्स हम यहाँ पे इस तरह से सुई के जरिए से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमें ये हुक को यहाँ पे ऐड कर लेना है और ये देखिए हमने ये इस तरह से यहाँ पे ये हुक को सुई के जरिए से यहाँ पे टाक लिया है। हमने यहाँ पे दो आय तैयार किए हैं इस तरह से ये फर्स्ट और ये सेकंड। हमने ये हुक और आय यहाँ पे तैयार कर लिए हैं और ये पूरी तरह से हमारी ये पठानी पे की सलवार तैयार हो गई है। आपको अगर ये हमारा सलवार बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।